वेलकम बच्चों, आज हम तर्कशास्त्र में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, अरस्तु का परंपरागत वर्ग विरोध। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अभी तक आपने पढ़ा था निरुपाधिक तर्क वाक्यों के मानक आकार, ठीक है। तो मानक आकार कौन कौन से थे? ए, ई, आई, ओ। अब इस टॉपिक में ये बताया गया है कि किसी भी मानक आकार के निरुपाधिक तर्क वाक्य एक ही उद्देश्य और विधेय वाले होकर भी एक दूसरे से गुण या परिमाण या दोनों में ही अलग अलग हो सकते हैं। प्राचीन तर्कशास्त्रियों ने इस एक ही प्रकार की भिन्नता को विरोध नाम दिया। आया समझ में? परंपरागत वर्ग विरोध का मतलब ही यही है कि जो चार मानक आकार हैं ए, ई, आई, ओ, इनके उद्देश्य और विधेय एक ही गुण के हों या एक ही परिमाण के हों या दोनों से ही भिन्न हों, तो ये जो भिन्नता है, इस भिन्नता के विरोध का नाम ही परंपरागत वर्ग विरोध रखा गया है, अपोजिशन ऑफ स्क्वायर। और ये जो अलग अलग प्रकार के विरोध हैं, इन विरोधों से कुछ इन्होंने सत्य संबंध स्थापित किए हैं। अब ये जो सत्य संबंध स्थापित किए गए हैं, उसमें मूल रूप से इन्होंने तीन सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। सबसे पहला है व्याघात का सिद्धांत। व्याघात का मतलब है थ्योरी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, यानी दो तर्कवाक्य तब व्याघाती होंगे जब उनमें एक दूसरे की अस्वीकृति हो। कहने का मतलब है कि दोनों एक साथ न तो सत्य हो सकते हैं और न ही दोनों एक साथ असत्य हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ए और ओ, ये आपके पास में ये टेबल है, इसमें देखो ए और ओ आकार के जो तर्क वाक्य हैं और ई और आई जो तर्क वाक्य हैं, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। इसका एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देती हूँ कि ए आकार का तर्क वाक्य कहता है कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, लेकिन उसके सामने ही जो ओ आकार का तर्क वाक्य है वो कहता है कुछ मनुष्य मरणशील नहीं हैं। तो इस तरह की जो बात करते हैं, यानी दोनों ही एक दूसरे से पूरी तरह से अस्वीकृति देते हैं, तो ये वाक्य व्याघात कहलाते हैं, व्याघाती कहलाते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी कहलाते हैं। इसी तरह से ई और आई तर्क वाक्य हैं, ई कहता है कि कोई मनुष्य मरणशील नहीं है और आई कहता है कि कुछ मनुष्य मरणशील हैं, यानी दोनों एक साथ न तो सत्य हो सकते हैं और ना ही एक साथ असत्य हो सकते हैं। इसलिए इस प्रकार के जो वाक्य हैं कॉन्ट्राडिक्टरी कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है विपरीत। विपरीत यानी कॉन्ट्रेरी। ये तर्क वाक्य कॉन्ट्रेरी तब कहलाते हैं जब ये एक साथ सत्य ना हो सकें, यानी दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते, यद्यपि दोनों एक साथ असत्य हो सकते हैं, तो ये विपरीत तर्क वाक्य कहलाते हैं। पारंपरिक तर्कशास्त्री अरस्तु ने एक ही उद्देश्य और विधेय वाले किंतु गुणों में अलग सार्वभौमिक तर्क वाक्य विपरीत माना है। जैसे कि पूर्व टेबल आपको दिखाई थी मैंने, ये टेबल देखो, इसमें आपके ए और ई, ये तर्क वाक्य एक दूसरे के विपरीत हैं, ये दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से नेक्स्ट है विरुद्ध तर्क वाक्य। विरुद्ध का मतलब है जब दो तर्क वाक्य एक साथ असत्य नहीं हो सकते, यानी दोनों सत्य हो सकते हैं, तो ये परस्पर विरुद्ध कहलाते हैं। जैसे इस एग्जांपल में आपने देखा कि ये नीचे आ जाओ, ये देखो आई और ओ, ये तर्क वाक्य एक दूसरे के विपरीत हैं। क्यों विरुद्ध हैं? क्योंकि आई कहता है कुछ हीरे मूल्यवान पत्थर हैं और ओ कहता है कुछ हीरे मूल्यवान पत्थर नहीं हैं, ठीक है। तो ये तर्क वाक्य एक साथ असत्य नहीं हो सकते हैं, परंतु दोनों सत्य हो सकते हैं, तो ये परस्पर विरुद्ध कहलाते हैं, ठीक है। अब इसमें है नेक्स्ट उपाश्रयण,
यानी सब अल्टरनेशन, ये देखो सब अल्टरनेशन, इसमें एक सार्वभौमिक और एक अंशव्यापी तर्क वाक्य के बीच में जो संबंध होता है उसे हम उपाश्रयन कहते हैं। और इसमें भी जो सार्वभौमिक तर्क वाक्य है वो उपाश्रयन तथा जो अंशव्यापी तर्क वाक्य है वो उपाश्रित कहलाता है। ये एक ही उद्देश्य तथा विधेय में होने चाहिए ऐसा माना गया है। उपाश्रय जो है वो उपाश्रित को अपने में समाहित करता है, ठीक है, परंतु उपाश्रित जो है वो उपाश्रय को अपने में समाहित नहीं करता। जैसे सभी हीरे मूल्यवान पत्थर हैं, यह कुछ अर्थात उपाश्रित को अपने में अंतर्भूत कर सकता है, लेकिन कुछ हीरे मूल्यवान हैं यह उपाश्रय अर्थात सब यानी ऑल को अपने में समाहित नहीं कर सकता। जैसा कि आप आ जाओ वापस इसी टेबल पर, ये टेबल आ जाओ, इसमें एक ये देखो ए तर्क वाक्य, ये सार्वभौमिक तर्क वाक्य हैं और ये आई ये अंशव्यापी तर्क वाक्य है। इन दोनों के ये बीच का जो संबंध है ये उपाश्रयन कहलाता है। इसमें भी जो सार्वभौमिक हैं वो उपाश्रय और जो अंशव्यापी हैं वो उपाश्रित तर्क वाक्य कहलाएगा। इसी तरह से ई और आई भी हैं, ये भी उपाश्रयन कहलाते हैं, इन दोनों के बीच का संबंध, और ई जो है वो उपाश्रय और ये उपाश्रित कहलाते हैं, ठीक है। अब इस टॉपिक को मैं आपको व्हाट्सएप पर भी भेज रही हूँ और ये वीडियो भी भेज रही हूँ, ठीक है, ओके।